वन मंत्री राकेश पठानिया और फतेहपुर उपचुनाव में आजाद प्रत्याशी राजन सुशांत के बीच जुबानी जंग प्रचार खत्म होने के बाद भी छिड़ी हुई है। डॉक्टर राजन सुशांत के लगाए गए आरोपों पर वन मंत्री ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वन रक्षक भर्ती को लेकर जो बातें पूर्व सांसद ने कही हैं वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। राकेश पठानिया ने कहा कि जो कीचड़ उन पर उछाला गया है उसको लेकर वो अब माफी तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि कोर्ट जाएंगे। डॉक्टर सुशांत के खिलाफ वो 2 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोकेंगे। सुनिए धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा आगे वन मंत्री राकेश पठानिया ने। ये मामला मैंने आपको बताया कि राजेश सुशांत जी ने अपने अंतिम जो उन्होंने रैली की थी उस पर इन्होंने बहुत अनाप शनाप से इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए हैं कि फॉरेस्ट मिनिस्टर ये वो किस तरीके से गार्डों की भर्ती में पैसे खाए जा रहे हैं। पहले रेट 10 लाख था, अब रेट 22 लाख हो गया है। आप पैसे जमा कराएं और चिट्ठी घर पहुंच जाएगी। ये बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हो गए हैं और मुझे समझ नहीं लगता कि किस घड़िया किस स्तर की राजनीति करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने 2 करोड़ का जो है डिफेमेशन हम हाईकोर्ट में फाइल कर रहे हैं, उसी लिए आज आपके बीच मारपीट तो हमने कोई की नहीं। जिस बंदे ने आरोप लगाया वो सवेरे वही मुकर गए। सवेरे उसने यू टर्न लिया, जिस तरीके से उसने सवेरे अपनी हर बात का जो है यू टर्न लेके अपनी बात को मुकरा है, उसे आप हिसाब लगा लें कि किसने मारपीट की है किसने नहीं की है। तो मारपीट हमारे साथ हो रही थी सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से पूरी रात वो वीडियो चलती रही, जिस हिसाब से पूरे मेरे को कोई ऐसा प्रदेश का कोना नहीं जहाँ से मुझे फ़ोन ना आए हो। आप इमेजिन करें कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से वो चली है सर रात पर, बार बार पीएसओ, और यहाँ तक वो एसओ बोल रहा है कि मुझे, मैंने मंत्री की आवाज़ तक सुनी है, उन्होंने पीएसओ कहा कि इसको मारो, और सवेरे कह रहा मैं तो पीएसओ को जानता हूँ बड़े अच्छे से, ये तो मेरा मित्र है, ये तो ऐसा काम कर नहीं सकता। फिर वो कहता वो तो प्रेस सेक्रेटरी था और प्रेस सेक्रेटरी को फिर पहचाने से मुकरता। तो आप इमेजिन कर लें मार किसको पड़ रही थी, हमको पड़ रही थी, इनको पड़ रही थी। बिल्कुल जी, पूरा टोटल षड्यंत्र था, टोटल प्लान्ड था और पूरा का पूरा इसमें कांग्रेस और राजेश सुशांत इन्वॉल्व कर रही है। देखिए हम तो फतेहपुर में थे और हम पिछले 20 दिनों से फतेहपुर बैठे हैं, फतेहपुर हम जीत रहे हैं। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।